इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.2 चतुर्भुज चैप्टर से। तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ई इसका मध्य बिंदु है और एक रेखा इस तरह से खींची जाती है जो इसके समांतर है, तो हमें यह प्रूव करना है कि एफ भी इसका मध्य बिंदु है। क्वेश्चन समझ आ गया? यानी ई जो है इस भुजा का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और ई से एफ एक ऐसी लाइन खींची जाती है जो इसके पैरेलल है, समांतर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ भी इसका मध्य बिंदु है। क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत सिंपल है, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित प्रश्न है ये। तो शुरू करते हैं। तो यहां पर त्रिभुज ए डी बी में, यहां पर अगर हम देखें तो देखो ई ए डी का मध्य बिंदु है, अच्छा, और इसके बाद इसको हम ये जो पॉइंट है इसको एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे देते हैं, ई जी समांतर है ए बी के। अब ये समांतर क्यों है? क्योंकि ई एफ समांतर है, तो ई एफ समांतर है तो ई जी भी समांतर होगा, क्योंकि ई एफ पैरेलल है ए बी के। अंडरस्टैंड? यहां तक सब स्मूथली समझ आ रहा है? ओके, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? देखो अगर ई इसका मिड पॉइंट है और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो जी भी इसका मिड पॉइंट होगा, इसलिए जी बी डी का मध्य बिंदु है। और कौन सी प्रमेय यहां पे लगी है? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसका कन्वर्स थ्योरम लगा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो ये कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। उसकी विलोम जो प्रमेय है वो ये कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु है और ये समांतर हैं, तो ये भी मध्य बिंदु होगा। तो इससे हमें ये पता चला है कि जी जो है इसका मिड पॉइंट है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो देखो ये दोनों समांतर हैं, ए बी और डी सी समांतर है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना, ये दिया है। इसके बाद जो ई एफ है वो समांतर है ए बी के, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? देखो इससे ये रिजल्ट निकला कि ई एफ और डी सी भी समांतर होंगे। आप समझे? ये और ये समांतर हैं, ये और ये समांतर है, तो ये और ये भी समांतर होंगे, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। त्रिभुज इसमें बी सी टी में, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या है? देखो जी इसका मध्य बिंदु है, जी बी डी का मध्य बिंदु है, कैसे? अभी प्रूव किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। इसके अलावा जो ये लाइन है जी एफ, ये पैरेलल है डी सी के, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ई एफ पैरेलल है तो वो भी पैरेलल होगा, ठीक है ना भाई। ई एफ अगर पैरेलल है इसके तो ये भी होगा समांतर। और अब क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, ये और ये समांतर हैं, तो क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन निकला? कि एफ भी इसका मध्य बिंदु होगा। सो देयरफॉर एफ बी सी का मध्य बिंदु है। पर ये भी सेम प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, बिंदु प्रमेय का विलोम। ओके,
वेल हो गया प्रूव, यही तो प्रूव करना था कि एफ जो है इसका मिड पॉइंट है, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा क्विकली इसको दोबारा से समझा देता हूं। देखो माय डियर, ये और ये समांतर थे और इसको इसके समांतर खींचा गया, तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा इसकी वजह से, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब फिर हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ये और ये पैरेलल है, तो एफ बी इसका मिड पॉइंट होगा, बस हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।